नमस्ते, कौन था पंजाब का शेर और किसने इस वीडियो की तरह जैसे शेर एक काले रंग के दुश्मन को भगा रहा है, ऐसे ही गोरे दिखने वाले काले दिल वालों को काला झंडा दिखाकर वापस जाने के लिए कहा और इसी के तहत उन पर लाठी चार्ज हुआ और उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिशर्स के कफन की कील साबित होगी। ये है शेर की वीडियो का पहला लिंक। दूसरा लिंक समझिए, जैसे शेर के आसपास एक भरा पूरा जंगल पनपता है, तभी तो हम चीता भी लाए हैं। ऐसे ही इस व्यक्तित्व ने समाज के हर व्यक्ति को उभारने के लिए प्रयास किए। वो हैं लाला लाजपत राय। आओ चलते हैं लाला लाजपत राय की दुनिया में प्यारी शिक्षा के संग। सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज के तहत इन्होंने क्या काम किया उसको देखते हैं। इन्होंने 1897 में हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मेन मकसद था क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो बच्चों का अडॉप्शन हो रहा था उसको प्रिवेंट करना और इनके द्वारा ऑर्फन बच्चों का अडॉप्शन किए जाना। ये दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वे आर्य समाज के मेंबर बने और हंसराज महात्मा के साथ मिलकर उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की लाहौर में स्थापना की और समाज में लोअर कास्ट कहलाने वाले लोगों को उन्होंने वेदास के रिसाइटमेंट और रीडिंग पर समर्थन अपना जाहिर किया और 1921 में वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी इन लाहौर स्टैब्लिश करेंगे। किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या काम किए उसको समझते हैं। उसके लिए पहले हिस्ट्री समझिए। पंजाब में ब्रिटिशर्स ने 3 लॉ पास किए, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, पंजाब लैंड कंसोलिडेशन एक्ट एंड बारी दोआब कैनाल एक्ट। इन एक्ट का मेन मकसद था जो कि ओनर था किसान अपनी जमीन का, उसको बेसिकली अपनी ओनरशिप से हटा देना, यानी यदि किसान की जमीन सरकार के पास चली जाती है तो वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की तरह काम करेगा। और इन सब एक्ट का यही मकसद था कि उसकी जमीन किसान की जो है वो सरकार छीन लेगी। और इस दोआब कनाल एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा हाई इरिगेशन टैक्सेस भी लिए जा रहे थे, तो अब इतने ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर्स हो रहे थे, तो वहाँ पर किस व्यक्ति ने इसके खिलाफ आंदोलन की सोची और पंजाब के फार्मर्स को एकजुट किया, वो थे सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह ने 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट की स्टार्ट की। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए या, और ये मूवमेंट के तहत ही वो गाना गाया गया। अब इसका मतलब था कि आप लोगों को अपनी पगड़ी अपनी इज्जत संभालिए किसान और अपने हकों को मांगिए ब्रिटिशर्स से। इसी के तहत इन्होंने किसान में जागरूकता फैलाने के लिए भारत माता सोसाइटी स्टैब्लिश की, जिसको महबूबे वतन भी कहते हैं। इस सोसाइटी ने ही जन जन तक किसानों तक ये बताया कि ये जो 3 काले कानून ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगे और कैसे आप लोग अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएंगे। और इसी के तहत लाला लाजपत राय भी वहाँ पर भाषण देंगे और इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे। और इन्हीं गतिविधियों के तहत इनको 1907 में जेल हो जाएगी दोनों को 6 महीने की, लेकिन ये मूवमेंट इतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स को वो 3 लॉ वापस लेने पड़े। ये स्वदेशी मूवमेंट के तहत बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के कांटेक्ट में आए, इस तरीके से इनका ट्रियो बना। अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कैसे आगे बढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। 1914 में कांग्रेस ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा जिसमें ये भी एक सदस्य थे और ये ब्रिटेन गए अपने इश्यूज़ को वहाँ पर रखने के लिए और ब्रिटेन से होते हुए जापान और अमेरिका पहुँचेंगे और 1917 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। 1916 में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन 1917 में इसी के तहत लाला लाजपत राय अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट करेंगे।
1920 में ये भारत वापस आ जाएंगे और आते ही कांग्रेस के स्पेशल सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसको प्रिसाइड करेंगे, जहां पर लॉन्च किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस मूवमेंट को लीड करेंगे लाला लाजपत राय पंजाब में, और वो इतना सक्सेसफुल होगा कि उनको इस मूवमेंट के तहत पंजाब का शेर और पंजाब केसरी से संबोधित किया जाएगा, और इनको इन गतिविधियों के तहत ही 1921 में जेल हो जाएगी। और लाला लाजपत राय का आगे का सफ़र समझने के लिए इस कहानी को लिंक करिए, लाला लाजपत राय NCM का मेल, इस जंगल का एक ही शेर, जल घर जल्दी हो गई देर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की गतिविधियों के तहत उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर के नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ देर महसूस हो रही थी, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट के थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अचानक से ही गांधी जी द्वारा वापस कर लिया गया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें देर लग रही थी कि जिस एम से को अचीव करने के लिए हम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। इसलिए ये जेल से छुटते ही लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होंगे, और एज इलेक्टेड मेंबर ये 1926 में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर बॉयकॉटिंग ब्रिटिश साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वो कमीशन था जो 1919 के गवर्नमेंट एक्ट को रिव्यू करने के लिए आया था, और इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, यानी आप भारतीयों के लिए जो लॉज हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं बिना भारतीयों की उपस्थिति के। लाला लाजपत राय ने जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा उसके विरोध में एक बड़ा साइलेंट पीसफुल मार्च किया विद ब्लैक फ्लैग्स एंड साइमन गो बैक नारों के साथ, लेकिन वहां पर प्रेजेंट स्कॉट जो कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसने लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए, और लाठी चार्ज के तहत जो लाला लाजपत राय थे उनको काफ़ी चोटें आई और वो कुछ ही समय में उनका देहांत हो गया, पर वो कह गए कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिशर्स के कफन की कील साबित होगी, और यही हुआ। उस जो प्रोटेस्ट मार्च थी उसमें भगत सिंह भी प्रेजेंट थे, और वो ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर सेकंड रिवोल्यूशनरी फेस में उस स्कॉट को मारने के लिए प्लान करेंगे। अब इन्होंने लेबर्स के उत्थान के लिए क्या काम किया उसको देखते हैं। इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस की स्थापना में ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। देखो इससे पहले जो थे स्टेट लेवल पर बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन रहे थे, पर एक ऑल इंडिया लेवल पर ये पहली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी 1920 में, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। और ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस अभी भी ऑपरेटिव है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली जो बेस ईयर चेंज हुए हैं फॉर कैलकुलेटिंग CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके लिए इन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स एड्रेस किए हैं। और एज अ ऑथर इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी, 1908 में द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, 1915 में आर्य समाज, 20 में द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, 17 में इन्होंने इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, 28 में अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे बुक्स के ट्रांसलेशन किए, और इन सब के अलावा इन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने जो बैंक इस्टेब्लिश किया था वो इवॉल्व हुआ एज अ पंजाब नेशनल बैंक, जो कि न्यूज़ में भी बहुत था, और गुलाबी देवी चेस्ट हॉस्पिटल जो कि इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए स्टार्ट किया था, और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। और अब हमने ट्रियो का इन्वॉल्वमेंट देख लिया है कि लाला लाजपत राय पंजाब में सक्रिय थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। अब हमने रिवोल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट का रोल इस ड्यूरेशन के टाइम वर्ल्ड वॉर वन के टाइम देखा। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट की स्टार्ट किया था 1916 में, तो क्या ये जो आइडिया था वो उनका ही दिमाग की उपज थी या किसी और ने ये आइडिया दिया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।